नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। अपराध और मध्य प्रदेश, ऐसा लगता है कि इन दोनों का आपस में कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में अपराध के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हालात तो ये हो गए हैं कि लोग कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी दरिंदगी करने से पीछे नहीं हट रहे। हम आपको अक्सर मध्य प्रदेश में होने वाली अपराध की हर खबरों से रूबरू कराते हैं। कई खबरें तो ऐसी होती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताएंगे उसे देखकर ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि अस्पताल प्रशासन पर से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। खबर है मध्य प्रदेश ग्वालियर की, जहां के लोटस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के साथ बलात्कार की कोशिश की गई, और कोशिश भी किसने की? अस्पताल के ही वार्ड बॉय ने। घटना के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोटस अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव एक महिला मरीज के साथ वहीं के वार्ड बॉय ने बलात्कार करने की कोशिश की। वार्ड बॉय ने प्राइवेट कमरे में घुसकर कोरोना संक्रमित महिला की आबरू लूटने की कोशिश की। जिस वार्ड बॉय पर मरीज का ख्याल रखने का जिम्मा होता है, उसी वार्ड बॉय पर दरिंदगी का ऐसा खुद सवार हुआ कि इसने ये तक नहीं सोचा कि जिस महिला के साथ ये दरिंदगी करने की कोशिश कर रहा है वो कोरोना पॉजिटिव है। लोक लाज और अपने आप को कोरोना संक्रमित होने का सोचकर भी इसने महिला के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की। इस घटना से न सिर्फ अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि मानवता भी शर्मसार हो रही है। एक तरफ बेचारी महिला कोरोना की चपेट में है, जिंदगी और मौत के बीच दिन रात जूझ रही है, उसी महिला के साथ वार्ड बॉय ने ही दरिंदगी करने की कोशिश की, ये जानकर भी कि वो महिला के संपर्क में आने से खुद कोरोना संक्रमित भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार आरोपी वार्ड बॉय ने बलात्कार करने की कोशिश तब की जब महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जा रहा था और उसी दौरान वार्ड बॉय ने उस महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। फिलहाल इस घटना की रिपोर्ट महिला के बेटे ने कप्पू थाना में दर्ज करवा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस वार्ड बॉय के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहे वीकी न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।